ग्रेचुटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन होते हैं काफी सारे लोगों के मन में। हालांकि हमें पता होता है ग्रेचुटी के बारे में काफी सारी चीजों की, लेकिन एग्जैक्ट क्या चीजें होती है आज मैं लाया हूं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनका मैं आंसर आपको दूंगा, जो कि आप हमेशा जानना चाहेंगे ग्रेचुटी के बारे में। ग्रेचुटी क्या है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, ये मैंने कल एक वीडियो में बताया था। उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर की तरफ दे दूंगा या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहां पर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन छाट के लाया हूं जो हमेशा आप जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है ग्रेचुटी पेमेंट क्या होती है। तो ये एक ऐसा सम ऑफ मनी होती है जो कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉई को देता है एक लंबी सर्विस करने की एवज में। हु कैन गिव ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कौन कौन सी कंपनियां दे सकती हैं? तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट की सारी कंपनियां होती हैं जिनको ग्रेचुटी देना होता है ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से। इसके अलावा प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो कि इस एक्ट के अंदर आती हैं, उन सभी को ग्रेचुटी देना अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल जरूरी है। कैन आई गेट ग्रेचुटी इफ आई रिजाइन? हां, आप अगर रिजाइन करते हैं तो भी ग्रेचुटी आपको मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएटी की जो मिनिमम सर्विस है वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स की सर्विस आप कर लेते हैं उसके बाद आप कंपनी से रिजाइन कर देते हैं या कंपनी आपको हटा देती है तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन 5 इयर्स से कम की सर्विस है तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएटी? लोग पूछते हैं कि आखिर जो ग्रेजुएटी कैलकुलेट होती है मंथली बेसिक सैलरी पर वो कितने परसेंट होती है। तो इसका एक फिक्स रूल है, यानी एक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया है, उसमें बताया गया है कि ए एम्प्लॉई कैन रिसीव ए मैक्सिमम ऑफ 57.69% ऑफ द मंथली बेसिक सैलरी विथ डीए एज ग्रेचुटी। यानी किसी भी एम्प्लॉई का बेसिक सैलरी जो भी उसने लास्ट में लिया है, लास्ट मतलब मंथ में लिया है, बेसिक सैलरी विथ डीए का 57.69% मैक्सिमम ग्रेचुटी कोई भी कंपनी दे सकती है। इससे कम भी रख सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकती। हु इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी किसको मिल सकती है? दोस्तों अगर आप कंपनी से लंबी सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं, यानी 5 साल से ज्यादा की सर्विस करी है और रिटायरमेंट का पीरियड आपने खत्म कर लिया है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। अगर कोई एम्प्लॉई है जिसने 5 साल किसी भी सिंगल एम्प्लॉयर कंपनी के साथ काम किया है और 5 साल 1 महीने बाद अगर वो रिजाइन करता है तो भी उसे ग्रेचुटी मिलती है। 5 साल की सर्विस से आप अगर आगे और करना चाहें तो वो जोड़ के मिलेगी, नहीं तो 5 साल पर ग्रेचुटी मिलती है। अगर कोई एम्प्लॉई ड्यूटी के दौरान या वर्किंग पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है किसी भी तरह से, एक्सीडेंट या बीमारी से, तो उसको ग्रेजुएटी मिलती है। अगर उसकी सर्विस 5 इयर्स पूरी भी नहीं हुई है तो भी उसे ग्रेजुएटी मिलेगी। इज ग्रेजुएटी पेबल आफ्टर 4.5 इयर्स ऑफ सर्विस? ये क्वेश्चन काफी लोगों द्वारा पूछा जाता है। क्या 5 साल से पहले यानी 4 साल 5 महीने या 6 महीने में ग्रेजुएटी के लायक होंगे हम, मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसका सीधा सा आंसर है वो नो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना। नो तो है लेकिन कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है और 4 साल उसने काम कर लिया है और 5वें साल में है, लेकिन अगर वो 5वें साल में 240 वर्किंग डे को अगर पूरा कर लेता है और उसके बाद रिजाइन करता है या कंपनी निकालती है तो उसको ग्रेचुटी मिलती है।
यानी कि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 5वें साल में 240 वर्किंग दिन आपने पूरा कर लिया है, कम से कम छुट्टियां ली हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग किया है, तो आपका जो 5 साल है वो 5 साल से पहले भी पूरा हो जाएगा लीगली और आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर कोई भी एम्प्लॉई ड्यूटी या एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मैंने जैसे बताया कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल या किसी बीमारी की वजह से, तो अगर उसने 4.5 साल से कम की सर्विस भी की है तो भी उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ये एक लॉ है। व्हाट इज ग्रेच्युटी फॉर्मूला? कल मैंने इसको काफी अच्छी तरीके से समझाया था एग्जाम्पल के साथ, आज मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ग्रेच्युटी इक्वल टू एन इंटू बी इंटू 15 अपॉन 26। इसका मतलब ये हो गया कि n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है और b जो है वो लास्ट बेसिक सैलरी विद डीए जो आपने लिया है वो है, अगर ग्रेच्युटी हम कैलकुलेट करेंगे तो। हाउ टू काउंट ईयर्स? अब वहां पर जो फॉर्मूले में ईयर दे रखा है, अगर हमने 4 साल 6 महीने जॉब की है तो कैसे काउंट होगा? तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि जो ये लॉ है इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी साल में 6 मंथ को पूरा किया है या 6 मंथ या 7 मंथ किया है तो उसको 1 साल ही काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपने 4 साल 6 महीने सर्विस की है तो उसको 5 काउंट किया जाएगा ग्रेच्युटी वाले फॉर्मूले में। तो ये थे ग्रेच्युटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा लोग पूछते हैं और काफी लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।